हाय मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल लिटिल बर्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 1 से 2 साल के बच्चे को क्या क्या खाना देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें बच्चे को नहीं देनी चाहिए और जो चीज़ें देनी है वो कितनी क्वांटिटी में देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी, तो मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो 1 साल से 2 साल के बीच में होते हैं जनरली वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मोस्टली बच्चे इस एज ग्रुप में चलना स्टार्ट कर चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि बच्चे को सॉलिड फूड में क्या क्या चीज़ें दी जाएं जिससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, प्लस उसके लिए हेल्दी हो और बच्चे की ग्रोथ में भी हेल्प मिले। 1 साल से 2 साल के बीच में बच्चे जनरली बहुत अच्छे से सॉलिड फूड खाना सीख चुके होते हैं क्योंकि उनके दांत भी आ चुके होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे साथ साथ ब्रेस्ट मिल्क पे भी होते हैं। तो 1 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाना ज़रूरी है, अच्छी बात है अगर आप पिलाते हैं। 2 साल तक अगर आप पिलाते हैं तो भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे बच्चे को न्यूट्रिशन जो ब्रेस्ट मिल्क से मिलना चाहिए वो मिलता है। और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, अगर आप नहीं चाहते कि आप 1 साल के बाद बच्चे को कंटिन्यू करें तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग बंद करा सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ बच्चे का सॉलिड फूड जो इनटेक है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है 1 साल से 2 साल के बीच में, कि बच्चे को आप पहले मील दीजिए, यानी बच्चे को सॉलिड फूड पहले दीजिए। अगर बच्चा फिर भी भूखा है या अपने कंफर्ट के लिए बच्चा थोड़ा सा दूध पीना चाहता है तो हमेशा मील के बाद बच्चे को वो ब्रेस्ट मिल्क का जो टाइम है वो बच्चे को कम करके दीजिए। इससे बच्चा सॉलिड अच्छे से खाएगा, प्लस ब्रेस्ट मिल्क तो वो पी रहा है। तो इस एज ग्रुप में बच्चा अच्छे से खाना पीना सीख रहा होता है क्योंकि बच्चा सेल्फ फीडिंग की हैबिट डेवलप करना चाहता है। मोस्टली बच्चे खुद से खाना सीखना चाहते हैं, कुछ बच्चे सीख रहे होते हैं, कुछ बच्चे सीख चुके होते हैं। तो इसमें आपको बच्चे को एनकरेज करना है, बच्चे को सपोर्ट करना है क्योंकि बच्चे के लिए सेल्फ फीडिंग हैबिट डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चा मील को इंजॉय करेगा, प्लस उसके अंदर सेल्फ डिपेंडेंस भी आएगी। तो जो भी आप फैमिली के लिए कुक कर रहे हैं वो बच्चे को आप दे सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि वो जो फूड है वो बच्चे के लिए न्यूट्रिशियस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तला भुना या फिर बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें जो बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाए वैसा मील आप बच्चे को मत दीजिए। तो आप बच्चे को वो सारी चीज़ें दे सकते हैं जो आप पहले सोचते थे। तो इसमें बच्चे का पोर्शन भी डिपेंड करता है, बच्चे को एक दिन में 3 से 4 मील और 1 से 2 स्नैक लेने चाहिए। जनरली 3 मील बच्चे प्रेफर करते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग के बाद में, जो मतलब 7 से 8 के टाइम में बच्चे डिनर ले लेते हैं, उसके बीच में 1-2 स्नैक्स ले लेते हैं। वहीं कुछ बच्चे 4 मील्स भी लेते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं होते हैं। तो बच्चे की जो 3 मील्स हैं उसमें आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा ऐसी मील दीजिए जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिले, प्लस फिलिंग हो और बच्चे को ग्रोथ में वो हेल्प करे। और जो आप स्नैक्स भी बच्चे को दे रहे हैं उसमें भी न्यूट्रिशन होना चाहिए। आप ट्राई करिए कि फ्रूट्स दीजिए, मखाना दीजिए, ड्राई फ्रूट्स, ऐसी ऐसी चीज़ें दीजिए जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिले। बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, तो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है बच्चे के मील में। बच्चा जब 1 साल से 2 साल के बीच में होता है तो उसका जो मेन सॉलिड फूड होता है वही मेन न्यूट्रिशन होता है, उसकी एनर्जी का सोर्स होता है। तो उसमें आपको बच्चे को ऐसी चीज़ देनी है जिससे बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो, प्लस बच्चा प्रॉपरली एक्टिव रहे। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क, पनीर, कर्ड, मिल्क से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं डेयरी प्रोडक्ट वो बच्चे की डाइट में आपको ज़रूर ऐड करने हैं। दूसरी चीज़ है बच्चे की डाइट में आपको लेग्यूम्स यानी कि चिक पीस, राजमा या फिर दाल, ये सारी चीज़ें बच्चे की डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। प्लस बच्चे की डाइट में नट्स होने चाहिए। आप ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाकर बच्चे को दे सकते हैं, मखाना बच्चे को दे सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और बच्चे बहुत इंजॉय करके खाते हैं। उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले डाली हुई है कि बच्चे को किस तरह से मखाना दें कि बच्चा इंजॉय करे उसको खाना। उसके बाद आप बच्चे को, अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो बच्चे को आप मीट एग दे सकते हैं। उसके बाद बच्चे को प्रॉपर वेजिटेबल्स मिलने चाहिए और फ्रेश फ्रूट्स मिलने चाहिए उसकी डाइट में। और बच्चे के लिए फ़ैट कंटेंट भी ज़रूरी है। बच्चे को आप घी दे सकते हैं जो कि बहुत अच्छा फ़ैट है, और बच्चे को आप ऑयल भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे की डाइट में ज़रूर होनी चाहिए।
जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमें बच्चे को कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, उसका बच्चा एक कटोरी खा लेता है और मेरा बच्चा आधी कटोरी खाता है, तो ये चाइल्ड टू चाइल्ड डिपेंड करता है। जनरली बच्चा 3/4 कप या फिर 3/4 बोल आधी कटोरी से लेके एक कटोरी तक खा लेते हैं बच्चे, और स्नैक्स ले लेते हैं 1 से 2 मील। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चा पोषण के बजाय न्यूट्रिशियस वैल्यू कितनी ज़्यादा है उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमेशा अगर बच्चा आधी कटोरी भी खा रहा है तो उसके अंदर न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए। पोर्शन साइज से ज़्यादा हेल्दी कितना खा रहा है बच्चा, ये भी मैटर करता है। तो इस एज ग्रुप में आप बच्चे को सब कुछ दे सकते हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के बच्चे को न्यूट्रिशियस खाना बनाकर दे सकते हैं जो कि बच्चा इंजॉय करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि जंक आपके लिए हार्मफुल है तो बच्चे के लिए तो हार्मफुल हो गई। तो जंक सोडा, पैकेट फूड, ये सारी चीज़ें बच्चे को मत दीजिए। जंक फूड में पैकेट फूड, कुकीज़, यू नो, चिप्स, ये सारी चीज़ें बच्चे की डाइट में कम ऐड करिए। अगर बच्चा बिल्कुल मानता नहीं है तो आप थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि ये सारी चीज़ें बच्चे को ना दें, क्योंकि मार्केट में जो भी ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत हाई क्वांटिटी में सॉल्ट होता है, शुगर होता है, प्लस प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो ये सारे केमिकल्स बच्चे की हेल्थ हैम्पर करते हैं और बच्चा न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा पाएगा, और बच्चा वही सारा जंक फूड से अपनी टमी को फिल कर लेगा जो कि आप न्यूट्रिशियस फूड से बच्चे को फिल कर सकते हैं। तो अगेन चॉइस आपकी है, आप बच्चे को जंक फूड देना चाहते हैं या फिर बच्चे को उसी पोर्शन में न्यूट्रिशियस फूड देना चाहते हैं जो बच्चे के लिए हेल्दी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो शेयर करने वाली थी मैं, वो है कि अगर बच्चे को, अगर आप सेल्फ फीडिंग की हैबिट डेवलप कराना चाहते हैं तो बच्चे को टाइम दीजिए, बच्चे को बहुत सारा टाइम दीजिए, बच्चे को खाना दे दीजिए और बच्चे को एंजॉय करने दीजिए। स्टार्टिंग में बच्चे बहुत स्लो ईटर्स होते हैं, बच्चे खाने के साथ खेलने लगते हैं, लेकिन आपको बच्चे के साथ पेशेंस रखना है, बच्चा धीरे धीरे ही सीखेगा और बच्चे को एनकरेज करना है। तो जब बच्चा कोई भी मील फिनिश करता है उसके बाद आप बच्चे को एनकरेज करिए, क्लैप करिए। जनरली मेरी बेटी जब कोई भी काम करती है, यानी वो जैसे मील फिनिश कर लिया या उसने कोई एक्टिविटी की, तो उसके बाद हम उसको क्लैप करके वाओ बोलते हैं, तो वो बहुत खुश होती है, बहुत एनकरेज फील करती है। और कोई भी काम करने के बाद वो हमारी तरफ देखती है कि अब ये क्लैप करेंगे, वाओ बोलेंगे, तो इससे बच्चा एनकरेज फील करता है, प्लस बच्चे को वो काम करने में इंटरेस्ट आता है कि उसके लिए उसे अप्रिसिएशन मिलेगा। तो एक हैप्पी मील टाइम बनाइए बच्चे के लिए। अगर बच्चा ये सारी चीज़ें देखेगा तो बच्चा मील इंजॉय करेगा। बच्चे को फोर्स फीड मत करिए अगर बच्चा नहीं खाना चाहता है, क्योंकि अगर आप एक दो बार बच्चे को ज़बरदस्ती खिला भी देते हैं तो नेक्स्ट टाइम बच्चा वो नहीं खाएगा या थोड़े टाइम के बाद वो नहीं खाएगा। तो बच्चे को फोर्स फीडिंग से बचे, बच्चे को धीरे धीरे चीज़ें इंजॉय करने का टाइम दीजिए, बच्चा ज़रूर खाने लगेगा। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो ऑलरेडी की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि बच्चे को कैसे सिखाएं कि बच्चा क्या क्या खाए। प्लस अगर बच्चा फिर भी नहीं खाता है तो बच्चे जो चीज़ खाते हैं उसके साथ आप वो चीज़ मिक्स करके दे सकते हैं जो बच्चा नहीं पसंद करता थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि इस टाइम पे आप कॉम्बिनेशन फूड ट्राई कर सकते हैं, 2-3 कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी बेटी एप्पल बहुत अच्छे से खाती है, प्लस चीकू वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है, तो मैं एप्पल के साथ चीकू थोड़ा सा मिक्स करके दे देती हूँ, तो इससे थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है बट वो खा लेती है। तो इससे मेरा भी सेटिस्फैक्शन हो गया कि उसको मैंने दोनों चीज़ों का न्यूट्रिशन दे दिया, प्लस बच्चे को वो हेल्थ बेनिफिट मिल गए उसके, और बच्चे ने वो खा लिया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर मेरी वीडियो किसी भी पॉइंट पे आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।